नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम चौधरी और मेरे चैनल आर्यन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ये कि अपन एक लोड बैलेंसर बनाते हैं और लोड बैलेंसर के पीछे एक मल्टीपल EC2 या मल्टीपल पोर्ट कैसे सेट करते हैं। ये वीडियो चाहे तो ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 सर्वर, आपके 50 सर्वर हो, 100 सर्वर हो, 25 सर्वर हो, एक टारगेट के ग्रुप के पीछे 400, एक NLB के पीछे 400 टारगेट ग्रुप सेट कर सकते हो, 400 पोर्ट सेट कर सकते हो। तो आप 5 रो, 10 रो, 50 रो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों में दिखा देता हूँ आपको, 80 पोर्ट पे ही है, एक्टिव है, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 80 पोर्ट पे है, दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोनों ओपन होते हैं, दोनों सर्वर चालू वर्किंग है। अभी NLB बनाते हैं या ELB, कुछ भी बना सकते हो आप लोड बैलेंसर, जो आपका मर्जी हो। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना सकते हो, नेटवर्क लोड बैलेंसर बना सकते हो और गेटवे लोड बैलेंसर बना सकते हो, सबका काम अलग अलग है। तो ज़रा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी गेट लोड बैलेंस क्रिएट करो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना। यहाँ पे देखिए ELB में क्या HTTP HTTPS होता है, NLB के अंदर क्या होता है TCP UDP TLS, और गेटवे के अंदर ये इतना। तो मैं NLB बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ NLB। इंटरनेट पेसिंग बनाना है, इंटरनल बना। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आपका प्राइवेट UPC में रहेगा, प्राइवेट NLB रहेगा, लेकिन अभी अपने पास प्राइवेट है नहीं, तो अपन इंटरनेट पेसिंग बनाते हैं। और यहाँ पे UPC आपका, जो भी UPC में आपका EC2 रहेगा वो UPC आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैपिंग किसके साथ करना, किस सबनेट के साथ, तो मैं यहाँ पब्लिक के साथ, सबनेट के साथ मैपिंग करता हूँ। और यहाँ पर पोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, लिसनर पोर्ट में यहाँ पे मैं 8080 करता हूँ। ये दोस्तों ध्यान रखना, अपना EC2 का पोर्ट 80 है और अपन NLB में 8080 पोर्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपना रिक्वेस्ट NLB के थ्रू 8080 पे आएगा तो NLB उसको फॉरवर्ड करेगा जो अपने टारगेट ग्रुप सेट करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप सेट करते, क्रिएट करते, यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको 80 ही रखना है, टारगेट APA CHI Apache कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 80 ही रखना है पोर्ट नंबर, यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे जो अपाची सर्वर है इसको सिलेक्ट कीजिए, इंक्लूडिंग कीजिए और यहाँ पे क्रिएट कीजिए। यहाँ पे लोड बैलेंस को रिप्रेस कीजिए, अपाची आ गया, अपाची को सिलेक्ट कीजिए। अभी आपने एक ऐड हो गया, वैसे आप 500 जितना ऐड करना है कर सकते हो। एक लोड बैलेंसर 400 टारगेट ग्रुप सेट कर सकता है, 1 पर सेकंड में 1 मिलियन रिक्वेस्ट पास कर सकता है। तो दोस्तों वो टेंशन ही मत लीजिए, यहाँ पे कीजिए ऐड वापस TCP 8081, यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज करते जाइए, आगे टारगेट ग्रुप बनाते जाइए, NGNX, यहाँ पे 80 ही रखना है पोर्ट नंबर, नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे जिसको पोर्ट नंबर दे रहे हो आप, वो सर्वर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप एक पोर्ट में 2 भी सर्वर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास सेम सर्वर है, NGINX के 4 सर्वर है और चारों पे सेम है, तो मैं चारों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, टारगेट ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कीजिए, वो भी वीडियो में आगे बताऊँगा आपको कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कीजिए मैं NGINX और यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट लोड बैलेंसर, व्यू लोड बैलेंसर। अभी दोस्तों दिखाता हूँ आपको लिसनर में, यहाँ पे आइए देखिए 8081 8081 8081 8081, अपाची, NGINX। अभी NGINX वाले में आप 4 सर्वर लगा सकते हो, अपाची वाले में 10 सर्वर भी लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो। तो ये दोस्तों जब तक NLB एक्टिव मोड में नहीं आता तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस। दोस्तों एक्टिव मोड में आ गया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। डीएनएस नेम जो है उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे कॉलन 8080।
ये आपके किधर भी रिडायरेक्ट करो या एपीआई गेटवे बनाओ या कुछ भी करो, उसके अंदर ये पोर्ट डाल देना आप, डायरेक्ट डोमेन पे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैं 8081 कर देता हूँ, कॉलन 8081। ये देखिए 8081 क्या अंजिनक सर्वर है 5वीं। अभी दोस्तों ये तो हो गया आपका NLP। अभी आप कुछ भी करना चाहे NLP, देखो या तो डोमेन में आप बना सकते हो, डोमेन में बना सकते हो, API गेटवे में यूज कर सकते हो, या किसी इधर भी आप यूज करना उधर कर सकते हो। उसे आप टारगेट ग्रुप सेट कर सकते हो, लिसनर पोर्ट में जाइए, लिसनर पोर्ट में ऐड कीजिए और यहाँ पे पोर्ट जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक पोर्ट दोबारा ऐड नहीं होगा सेम पोर्ट। ये पोर्ट के अंदर आप टारगेट ग्रुप में सेम पोर्ट रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको NLP लिसनर पोर्ट में आप सेम पोर्ट नहीं रख सकते हो। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कुछ भी नया वीडियो बनाना है नया वीडियो के लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं ट्राई करूँगा आपका वीडियो बनाने का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शायद ही आपको ऐसे वीडियो कहीं चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।